तो देखिए इसका थ्रेड वाला जो था इसी में टूट के रह गया है। और इसका छेदा देखिए कितना है, 1 mm के बराबर छेदा है। देखिए इसमें इन होगा कितना और आउट होगा कितना। इसका लंबाई 1.5 इंची और इसका साइज है 1/2 इंची। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाटर सप्लाई का ये पाइप है जो जमीन के अंदर है और ये कनेक्शन होके एक घर में गया है। तो कनेक्शन हुआ था लेकिन क्या है कि ये टूट गया है। इसका फेरुल का जो थ्रेड रहता है इसमें जो कनेक्ट रहता है, देखिए यूनियन में कनेक्ट था तो ये टूट गया। तो देखिए इसका थ्रेड वाला जो था इसी में टूट के रह गया है, जिसके चलते से दिक्कत हो रहा है, पानी नहीं जा रहा है। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं, इसको खोलना पड़ेगा पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये फेरुल रहता है, ये यहाँ पर क्या हुआ टूट गया ये। और इसका छेदा देखिए कितना है, ऐसा बस यही छेदा से पानी इसमें निकलता है, इधर से घर की ओर जाता है। अब देखिए, अब चलिए इसके जगह में दूसरा एक नया लेके आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नया लेके आए हैं फेरुल और इसका साइज है 1/2 इंची, 1/2 by 1/2 है। और इसका छेदा देखिए, इधर से इन होगा, इधर से आउट होगा। तो इसमें देखिए, इसमें प्रेशर ज़बरदस्त आएगा, इसमें भरपूर मात्रा में पानी निकलेगा इसमें। और जो पहले पुराना वाला जो देखे थे आप, से देखिए 1 mm के बराबर छेदा है। देखिए इसमें इन होगा कितना और आउट होगा कितना। तो ये लेके आए हैं, चलिए इसको फिट करते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं। और इसके साथ में देखिए 1/2 इंची का बीट निपल लेके आए हैं, ये 1.5 by 1/2 है। इसका लंबाई 1.5 इंची और इसका साइज है 1/2 इंची। और एक यूनियन लेके आए हैं 1/2 इंची का, इसको निकाल देंगे और इसके जगह में इसको लगा लेंगे। तो टूटने के कारण यही है कि क्या हुआ था इसमें, ये लगने के बाद क्या है, ये यूनियन जो है इसमें टकरा जाता है, टच होने से क्या हुआ टूट गया। तो इसको अब क्या करेंगे, इसके जगह में ये लगा देंगे इस तरह से। इसको लगाने से उसके बाद यूनियन जब लगाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ मेरा पाइप में टच नहीं होगा, जिसके कारण से फिर ये टूटेगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको फिटिंग करते हैं।